चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसके अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे ना तो वो आठ ऐसी आइटम्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ कुछ एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी चलो जी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है ठीक है इसके अंदर इसका मीनिंग क्या है तीन एक्टिविटीज होती हैं तीनों एक्टिविटी हमने पढ़ ली थी फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन आता था, था कि जहां से हम पैसा रेस करते थे जहां से पैसा हमारे पास आ रहा है रेस कर रहे हैं तो दैट मीन्स इनफ्लो हो रहा है इनफ्लो हो रहा है तो दैट मीन्स हमारे पास पैसा आ रहा है इन केस हमें इसकी पेमेंट भी करनी होती थी क्या जब हम क्या करते हैं किसी भी लोन की या डिवेंचर्स को रिडीम करते प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता था पैसा हमारे पास से जा रहा है दैट मीन्स आउटफ्लो हो रहा है आउटफ्लो का मतलब क्या है पैसा हमारी पॉकेट से बिल्कुल जा रहा है तो उसे क्या करते थे उन एक्टिविटीज को माइनस करते थे अच्छा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट करती थी फाइनली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट से और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से अगर आप किसी भी एसेट्स को या फिर सिक्योरिटीज को बाय कर रहे हैं That means, आप उसको क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं किसी भी सामान को जब आप परचेज करते हैं तो आपकी पॉकेट से क्या होता है पैसा जाता है आउटफ्लो होता है इसी तरह की तरह सेम कंसेप्ट कोई सामान बेचते हो तो बेचने से सामान तो गया आपके पास से परंतु कैश तो आया ना अच्छा जी तो इसका मतलब प्लस का साइन आएगा कि पैसे आ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैंने आपको बताई कि तीन तीन एक्टिविटीज से मिलकर बनेगा इसके अंदर तीन चीजें हमें निकालनी पड़ेगी सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा मैं आपको यहां पे बताती हूं उसको क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेगी आपको जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की किसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉरी ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बच्चे आपकी तीन चीजों को निकालने के बाद हम यह बता सकते हैं कि operating से कितना पैसा इनफ्लो हुआ है कितना पैसा ऐसा है कि जो हम यहां से जा रहा है, आउटफ्लो हुआ है अच्छा जी वो कौन कौन सी है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बट वो भी कौन सा बिफोर टैक्स से और जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना उनको हम क्या करेंगे एक्सक्लूड करेंगे इनको इनको मिला के हम क्या करेंगे नेट प्रॉफिट निकालेंगे अच्छा जी मान लीजिए नेट प्रॉफिट मेरे पास एक लाख रुपया आ गया जस्ट छोटा सा एग्जांपल है तो इसके अंदर और हमें एडजस्टमेंट करनी है एडजस्टमेंट करनी है आपको किसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश या फिर मैं कहूं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की आप क्या करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम नॉन ऑपरेटिंग जो नॉन कैश आइटम्स है उसका इसमें क्या करेंगे कुछ आइटम ऐसी होगी जो प्लस करेंगे कुछ आइटम ऐसी होगी जो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे अच्छा जी फिर उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा ठीक है क्या निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा बट किससे पहले वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले क्या आपको लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को जब मैं माइनस कर देती हूँ उन्हें कहा जाता है ये कह रहे हैं कि इनके चेंज होने से पहले का प्रॉफिट है मीन्स कि यहाँ से कुछ एक चीज प्लस हुई होंगी यहाँ से कुछ एक चीज माइनस हुई होंगी फिर यहां पे कुछ बैलेंस बचा है दैट ये बैलेंस सिक्सटी थाउजेंड रुपीज बच गया तो अब इसके अंदर ये और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या क्या थी जैसे मैंने बताया था करंट 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 एसेट्स 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 को को अगर अपनी बढ़ बढ़ रही है, बढ़ रही है है दैट आपने कुछ assets, assets को क्या किया होगा बाय किया होगा जब भी आप करंट एसेट्स को बाय करेंगे इसका मतलब है करंट एसेट्स क्या हो रही है बढ़ रही है बट इनडायरेक्टली आपने किसी से करंट एसेट्स परचेज की ठीक है कही कहीं ना कहीं आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करी है ठीक है तो क्या होगा आपके यहां पर एसेट्स तो आ गई है ठीक है बट कैश क्या हुआ है कैश आपके पास से गया है गया है तो दैट मीन पैसा गया है तो जब भी करंट एसेट्स बढ़ेगी तो वहां पे क्या होता है आउट फ्लो होता है और जब भी करंट एसेट्स कम होगी कहने का मतलब वो क्या की होगी हमने सेल कर दी होगी सेल करने का मतलब क्या है कि पैसा हमारे पास आ गया है ना? ये समझाया था तो यहां पर करंट एसेट्स बढ़ रही है तो क्या होगा माइनस होगा करंट एसेट्स कम हो रही है तो क्या होगा प्लस होगा इनके बीच में कैश और करंट एसेट्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है क्लियर है इतना अच्छा जी करंट लाइबिलिटी का क्या कंसेप्ट है करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है दैट पैसा कहीं से आपने क्या कर रहा है अरेंज किया है पैसा अरेंज करना दैट मीनस पैसा आपके पास आया है करंट लाइबिलिटी बढ़ी पैसा बढ़ा पैसा बढ़ा तो पैसे हमारे पास यहां पे प्लस हो जाएगा करंट लाइबिलिटी कम हो रही है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं किसी की पेमेंट की है पेमेंट की है तो पैसा क्या होगा जाएगा तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी और कैश में कैसा रिलेशनशिप है पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकी एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें से बैलेंस निकल के आएगा मान लीजिए बैलेंस निकल के आया आपका फोर्टी थाउजेंड ठीक है ठीक है फिर इसमें से एक लास्ट एडजस्टमेंट करनी रह जाएगी लेस करेंगे हमारा करंट ईयर का एक सेकेंड करंट का नहीं प्रीवियस ईयर का एक सेकिन, एक सेकिन, एक प्रीवियस ईयर का क्या आपका इनकम टैक्स दैट मीन जो प्रीवियस ईयर में जो टैक्स बन रहा था वो आप इस साल पे करोगे तो वो यहां पर क्या करना पड़ेगा माइनस करेगा करना पड़ेगा मान लीजिए यहां पे है ये दस हजार रुपए तो तीस हजार रुपए क्या है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे इनफ्लो हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्किंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये पता लगा क्योंकि इसके अंदर दो ही ट्रांजेक्शन होते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की करंट एसेट्स के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है करंट लाइबिलिटी के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है अच्छा जी अब इसको समझेंगे इसको एक नोट में इसको समझेंगे दूसरे नोट में सबसे पहले हम दूसरे नोट की बात करते हैं दैट मींस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम मैंने कहा मैं अभी आपको बता रही हूं कि ऐसा ये क्यों है मैंने कहा कि जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको क्या करेंगे हम वापस एड बैक करेंगे और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग ध्यान से सुनना इसको प्रूफ करके बताऊंगी मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं और इनकम है उनको माइनस करेंगे किस में से प्लस माइनस करेंगे आपके नेट प्रॉफिट में से प्लस माइनस करेंगे यह भी बोला चलो जी मैं आपको एक अकाउंट बना के बताती हूं जो कि आपको आपने भी कभी बनाया होगा जब आपने प्लस वन प्लस टू इवन ग्रेजुएशन में जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं तब बनाया था मैं कह रही हूं कि यहाँ पे आपका क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कैसे स्टार्ट होता है क्या मुझे कोई बता सकता है बच्चा मैम स्टार्ट होता है जब हमारा ग्रोस प्रॉफिट का हमारा टू ग्रोस प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो हमारा किधर साइड डेबिट साइड से कहां जाता है फिर ये क्रेडिट में जाता है यस yes, बच्चे तो यहां से इसी से स्टार्ट होता है ग्रोस प्रॉफिट से ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट चलिए जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस किस तरह की एंट्री आती है ऑपरेटिंग एंट्री आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि जो फर्म से डायरेक्ट रिलेट नहीं करती पर फिर भी आपको क्या करना पड़ता है इसमें इंक्लूड करना पड़ता है नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है कि देखो बिजनेस के अंदर वेरिएबल कॉस्ट होते हैं फिक्स कॉस्ट होते हैं ये तो आपको करने करने पड़ते हैं क्योंकि ये फर्म से डायरेक्ट रिलेट करते हैं बट जब आप फर्म से कहीं से पैसा रेज करते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है हाँ जी इंटरेस्ट लगता है जब आप क्या करते हो किसी भी एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाते हो तो क्या वो डेप्रीशिएशन आपकी करंट एक्टिविटीज का पार्ट है बिजनेस की एक्टिविटीज का पार्ट है नहीं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है अच्छा जी किसी भी जब भी अपने बिजनेस को सेटअप करते हो तो आपके जो एक्सपेंसिज होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिज होते हैं वो एक्सपेंसिस कैसे होते हैं वो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग होते हैं क्योंकि वो आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है बट कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करते हैं वो एक्सपेंसिस हमारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपके बिजनेस से है ना समझ में आ गया क्योंकि देखो ये चीज़ ना हमने यहाँ पढ़ी थी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट फिर हमारा कंट्रीब्यूशन आया था कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस की थी फिर हमारा क्या था? आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था है ना जितने भी जब भी हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को माइनस कर देंगे हमारे रिवेन्यू में से तो हमारे पास क्या निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम ई e के नाम से भी जानते हैं ना और जब ई में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे और हम टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैसा प्रॉफिट बचेगा नेट प्रॉफिट बचता है नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जिसमें हमने इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर दी है और टैक्स की पेमेंट भी कर दी है। ये कैसे एक्सपेंसिस हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ठीक है तो यही देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बट अकाउंट में हमारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं चलो जी अब देखो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज होते हैं मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कौन से रूल के बेस पे बनता है नॉमिनल के रूल पर बेस पे बनता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट ऑल इनकम्स होती है तो यहां पे जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड आएंगे और जितने भी इनकम्स होंगी वो क्रेडिट साइड आएंगे राइट तो मैंने कहा कि जितने भी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कहा टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ध्यान से सुनते जाना कुछ नहीं है ज्यादा मुश्किल में कुछ नहीं है अच्छा जो भी ऑपरेटिंग इनकम्स है तो यहां पे आएंगी बाय ऑपरेटिंग इनकम्स क्लियर है अच्छा जी जस्ट अ मिनट मी चेक सब कुछ ओके okay तो है बेटे एवरीथिंग इज ओके दिखाई दे रहा है अब चलो ये कहते हैं कि बाय ऑपरेटिंग इनकम हो गया अब देखो यहां पे कुछ बैलेंस होगा ठीक है यहां पे कुछ बैलेंस होगा ठीक है जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो अभी मैंने बताया वो क्या होता है ईबीआईटी या कहें या फिर अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहें, तो यहाँ पे क्या आएगा टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अकाउंट यहां पे बैलेंसिंग फिगर आ गया ठीक है जी जैसे इस तरीके से ये अकाउंट यहां पे ट्रांसफर हुआ था सेम एज इट इज यहां पर ये जो बैलेंस होगा यहां पे ट्रांसफर होगा किस नाम से कि बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट अकाउंट कितना है कुछ भी ले लीजिए एक्सेस अब यहां पर नेक्स्ट एंट्री किन चीजों की यहां पर तो हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ये वाले ठीक है यहां पे जो हमारा रिवेन्यू था उसमें से हमने एक्सपेंसिस को माइनस कर दिया फिर हमारे पास हमारे प्रॉफिट निकल के आ गया सेम इसी तरह से अब हम क्या करेंगे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस होंगे वो यहां आएंगे और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगी वो हमारी क्रेडिट साइड आएंगी राइट यही होगा फिर हमारे पास क्या बच जाएगा प्रॉफिट बच जाएगा टू नेट प्रॉफिट अकाउंट क्या आपको इतना क्लियर है चलो जी ये बन गया आप एक सोच रहे होंगे कि मैम आप ये हमें क्यों करवा रहे हैं बेटा जी मैं इसलिए करवा रही हूं ध्यान से सुनना इस बात को जो मैंने अभी इन केस आपको क्वेश्चन में ये दिया मिलेगा नेट प्रॉफिट दिया मिलेगा बट क्वेश्चन में जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है आपको रिक्वायरमेंट होती है नेट प्रॉफिट बट किससे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले चाहिए होता है और उसमें से जितनी भी आपकी आइटम्स होती है आपको कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पहुँचना है यहाँ अब आपको यहां पहुँचने के लिए मैंने कहा कि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है दस हजार रुपये ठीक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस दे रखे हैं आठ हजार था रुपये ठीक है इनकम्स दे रखी है आपकी नौ हजार रुपये क्या आप ये फिगर निकाल सकते हैं यस मैम अभी निकालते हैं चलो जी हमने क्या किया इसको ऐड कर दिया अठारह हजार रुपये हो गए जब मैंने क्या किया इन दोनों को ऐड किया ऑपरेटिंग इनकम में नेट प्रॉफ़िट में मैंने इनको 8000 को प्लस कर दिया फिर मैं माइनस क्या कर दूंगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से मुझे क्या करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना पड़ेगा और मैंने नेट प्रॉफिट में ये ऐड किया तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा है ना तो आपने क्या किया इसमें से माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया ये नौ हज़ार रुपये राइट तो टोटल हो गया अठारह हज़ार रुपये क्लियर है तो क्या मैंने अभी आपको ये बताया कि जितनी भी जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग होंगे उनको क्या करना पड़ेगा आपको ऐड करना पड़ेगा जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग होगी उनको क्या करना पड़ेगा? उनको करना पड़ेगा पड़ेगा इनकम होगी उनको माइनस क्या मैंने आपको यही यही चीज लिखी है क्लियर है बेटे रीजन पता लग रहा है अच्छा जी आपको यह भी एडजस्टमेंट भी करनी आ गई है और वर्किंग कैपिटल ये बी पार्ट्स भी करना आ गया अब आ जाते हैं आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालने का चलो जी इसके अंदर ना पांच चीजों की एडजस्टमेंट होती है कौन कौन से की देखो आपकी बुक के अंदर इवन मैंने आपको नोट्स में भी इंक्लूड किया हुआ है ये चीजे, ये चीजें मैंने आपको पूरा बता दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से पार्ट आएंगे फाइनेंसिंग में क्या क्या आइटम्स है ये सब हमारा हो चुका है अच्छा जी अब आप देखो आपको ये और बता देते हैं कि जो आपके पास जैसे कि डेप्रिशिएशन हो गया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर जो एक्सपेंसेस है प्रीमिनरी एक्सपेंसिज हो गए गुड विल हो गया ठीक है ये सभी आइटम्स है इसी तरह से ये इनकम है जितनी भी इनकम्स है वो लेस होगी और जितनी भी एक्सपेंसिज है वो एड हो जाएंगे बट इनकी ना दो दो ट्रांजेक्शन होगी अभी करवाऊंगी दो मिनट का समय दीजिए जस्ट दो, दो मिनट ओके मैं आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने की बात कही जा रही है नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन मीनस की इन सभी के कैलकुलेशन करने के बाद अब आपको ना जो चीजें आपको यहां नजर आएंगी ना ऐड करनी है वो पांच चीजें हैं कौन कौन सी है ट्रांसफर टू द रिजर्व जो भी पैसा आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया था जो भी पैसा आपने क्या है रिजर्व में ट्रांसफर किया था उसको वापस ऐड करना है क्योंकि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट बता देखना है क्योंकि देखो आपको ना यहाँ पे एक सेकेंड ये जो बैलेंस ये कैश फ्लो बनाया ये बनाया था ना मैंने इसको यहाँ पे आने के बाद ना फिर हम किसका करते हैं डिविडेंड को माइनस करते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है ठीक है अब ये डिविडेंट अब ये जो अर्निंग है ना किसके लिए बच जाती है फोर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अब यहां पे जो बचती है ना पहले इसमें से हम रिजर्व भी निकाल लेते हैं ठीक है फिर जो बचा हुआ पैसा होता है जो बैलेंस होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा क्लियर है इतना समझ में आया अब ये कह रहा है कि आपको पता है कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ मिलेगा कि बैलेंसिंग फिगर रिजर्व को निकालने के बाद मान लीजिए मैंने जनरल रिजर्व कैश रिजर्व यहां से निकाल दिया यहाँ पे जो बैलेंस बचा है ये आपको ये क्वेश्चन में दिया मिलेगा ठीक है ये आपको गिवन मिलेगा और आपको कहां जाना है आपको इस वाले प्रॉफिट पे पहुंचना है अब देखो जैसे कि आप नीचे की उत... नीचे की ओर आ रहे थे तो आपने क्या किया है आप सारी आइटम्स को जैसे कि टैक्स हो गया इंटरेस्ट हो गया रिजर्व हो गया डिविडेंट हो गया उनको आप क्या करते गए हो माइनस करते गए हो है ना राइट right? अब वही बात है अब मुझे वापस उस पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इनको वापस प्लस करना पड़ेगा ठीक है जी समझ में आ गया पहला कारण तो ये कि सारे के सारे ये प्लस हो रहे हैं चलो जी अब बात आ जाती है कि कौन सी आइटम किसमें कैसे प्लस होगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफर रिजर्व तो ये सिंपल है कि जितना भी रिजर्व आपने जो आपका प्रॉफिट बचा हुआ था उसमें से आपने जो रिजर्व ट्रांसफर किया है उसको क्या करना है आपको वापस ऐड करना है अब बात आ जाती है प्रपोज डिविडेंड की टर्म डिविडेंड की प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स इनकम समझते हैं फटाफट चलो जी सबसे पहले आपके पास ये कुछ एक आइटम्स है जो की आठों आइटम्स आज हम करने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि बैंक ओवर ड्राफ्ट कैश क्रेडिट ये हमेशा किसका पार्ट रहने वाली है फिनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट लेने वाली है क्यों क्योंकि आप बैंक से जब आप ओवरड्राफ्ट करते हैं या फिर कैश एज अ क्रेडिट लेते हो तो कहीं ना कहीं पैसे आप अरेंज कर रहे हैं पैसे जब आप अरेंज करते हो तो वो किसका पार्ट है फिनेंसिंग का पार्ट है हमने किया था राइट right? याद है सबको अच्छा जी क्वेश्चंस में अगर आपको गुडविल गिवन है क्वेश्चन में आपको अगर गुडविल गिवन है जो कि कहीं ना कहीं इंटेंजेबल एसेट्स होती है एसेट्स जितनी भी थी आपकी फिक्स नेचर की वो कहां आती थी इन्वेस्टिंग का पार्ट थी याद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट ही अगर ये बढ़ रही है तो हम क्या कहते थे कि हमने क्या की है बाय की है मीन की कोई भी एसेट्स जब बढ़ रही थी तो हमने क्या किया था और उसको एक्वायर किया था है ना बिजनेस में क्या है मैंने कहा कि आपको 2000 2021 के 22 के अंदर आपको एसेट्स बैलेंस शीट में क्या नजर आ रही है आपको दस लाख की नजर आ रही है राइट बट दो में आपने देखा कि इसकी जो ये जो दस लाख की बजाय यहाँ पर आपको पंद्रह लाख रुपए नजर आ रहे हैं मीन की पांच लाख रुपए से बड़ी है है ना बड़ी है तो बड़ी है तो मतलब क्या हुआ कि आपने हुआज किया है करने का मतलब क्या है है कि आपकी पॉकेट से पैसा गया है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पांच लाख से क्या हो जाएगा माइनस में चले जाएंगे समझ पा रहे हो तो जब भी आपकी गुडविल इन की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे आपने गुडविल को क्या किया है परचेज किया है परचेज ऑफ द गुडविल है ठीक है तो ये क्या करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर उसके हम लेस करेंगे अच्छा जी इन केस जो दस लाख की बजाय ये कितनी की होगी पहले जैसे देखो दस लाख की थी 2022 के अंदर 2023 के अंदर ये देखा कि ये तो केवल पांच लाख की रह गई है पांच नहीं छोड़ो आठ लाख की रह गई तो दो लाख क्या हो गए कम हो गई तो कहीं ना कहीं आपको

एड हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर याद रह जाएगा हर एक चीज की दो बार एंट्री होगी अब देखो गुडविल बड़ी है तो आपको क्या करना था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालना था गुडविल राइट ऑफ हुई है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डालना है ठीक है चलो जी समझ में आ गया अब देखो ये आपको ये आपको पॉइंट क्लियर है ये गुडविल देखो यहां पे आई है इंटेंजिबल एसेट्स कोई भी है इंटेंजिबल एसेट्स कोई भी है अगर वो राइट ऑफ हो रही है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आएगी क्लियर है समझ में आ गया चाहे पेटेंट है ट्रेडमार्क है चलो चलो जी ये पॉइंट हो गया क्लियर चलो अब नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं कि इन केस क्वेश्चंस में आपको क्या दिया मिले रिजर्व्स दिया मिले कैसा रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व समझो समझो क्या कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों होगा क्योंकि जब भी आप या तो शेयर को इश्यू करेंगे या फिर शेयर्स को रिडीम करेंगे ठीक है शेयर को इशू किया इशू करना था उसकी एग्जैक्ट फेस वैल्यू सौ रुपए बट ये एक्चुअल में इशू हुआ एक सौ पचास रूपए में मीनस कि आपको आपके पास जो पैसा आया है वो किसके हिसाब से आया है एक सौ पचास के हिसाब से आया है. तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपके सरप्लस में गिवेन होगा परंतु फिर भी हमें इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालना है प्लस करना है क्यों करना है रीजन क्यों है क्योंकि शेयर को इशू करने से आपके पास पैसा रेज हुआ जब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने पढ़ा था पैसे को रेज करें चाहे वो इक्विटी है प्रेफरेंस है डिवेंचर्स है इनको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो उनकी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी क्लियर है चाहे वो रिडीम का पॉइंट है चाहे वो इशू का पॉइंट है ठीक है रिडीम में क्या होगा कि सौ रुपए का शेयर था ठीक है आपने वापिस दिया है प्रीमियम में दिया है देखो आपकी पॉकेट से पैसे जाएंगे टोटल अमाउंट लेस हो जाएगी बट जो रिडीम का अमाउंट है प्लस कर देंगे इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट फिर ये टोटल अमाउंट आपकी यहाँ से लेस हो जाएगी क्लियर है क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चलो जी कैपिटल रिजर्व की किसी भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे इसमें किसी भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं होगी किसमें कैश फ्लो में अच्छा जी अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है प्रपोज्ड डिविडेंट एंड आपका इंटर्म डिविडेंट और आपका ट्रीटमेंट ऑफ सॉरी पहले ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स पढ़ेंगे पहले मैं टैक्स का कंसेप्ट समझाती हूँ देखो आपने 2000 अब देखो 2024 लगा हुआ है 31 मार्च 2024 जा चुकी है 2023 में पैसा कमाया एक अप्रैल 2023 से आप लगे थे पैसे कमाने के बाद ये और 31 तीन 2023 लग गया है ठीक है अब इस साल जो पैसा कमाया है आपने कितना कमाया है मान लीजिए दस लाख रुपए कमाया ठीक है इसके ऊपर आपको टैक्स देना है एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट ठीक है जी अब इस साल आप कमा रहे हैं पैसा अब एक अप्रैल दो हजार एक सेकेंड यहाँ पे चौबीस यहाँ पे तेईस ठीक है यहाँ पे तेईस कर लीजिए फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको ये दो हजार बाईस था तो तब यहाँ पे तेईस आएगा अब दो हजार तेईस से लेकर फिर आपने इकतीस मार्च दो हज़ार 24 तक पैसा कमाया ये जो इकतीस मार्च गई इसमें आपने कमाया है बीस लाख ,00 रुपए, ठीक है सेम एज इट इज़ थर्टी परसेंट आपने क्या लगा दिया है टैक्स की रेट है, ठीक है जी इस साल जो आपको एक अप्रैल दो सब अब गया है ठीक है और 31 मार्च 2025 तक आप कमाएंगे और मैं कह रही हूँ कि जितना अब आपने कमाया है ठीक है मैं कह रही हूं कि अभी तक आपने तीन लाख रुपए कमाए हैं ठीक है उसके ऊपर भी क्या लगेगा थर्टी परसेंट अब इसकी पूरी अभी तक हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना अब देखो जिस साल पैसा मेरे को देखो अब इस साल में जब पैसा पूरा कमा लूंगी मैं तब क्या होगा टैक्स की पेमेंट होगी क्या मैं अभी बीच में पेमेंट कर दूँ नहीं ना तो कहने का मतलब यह है कि जब आप क्या करते हो अपने टैक्स की पेमेंट करते हो पेमेंट कब होती है जब आप पूरे में कमा लेते हो पूरा फाइनेंशियल ईयर गुजर जाता है फिर उसके बाद क्या करते हो आप पेमेंट करते हो तो इसे हम क्या कहेंगे प्रीवियस ईयर कहेंगे और जिस साल आप टैक्स की पेमेंट करते हैं उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं राइट इतना हमने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं हम मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि चैप्टर प्लस टू में भी आता है सभी बच्चों के लिए ये तो जिस साल हम पैसा कमाते हैं उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर और जिस साल हम टैक्स की पेमेंट करते हैं उससे कहते हैं हम असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर कहते हैं क्लियर है इतना समझ में आया अच्छा जी अब मैंने जिस साल पैसा कमाया तो मैंने पिछले साल है बट पेमेंट तो मैंने क्या कर दी है इस साल करूंगी इसकी पेमेंट कब करूंगी नेक्स्ट ईयर करूंगी इसकी पेमेंट कब करूंगी मैं 2025 में करूंगी है ना तो कहने का मतलब जिस साल का मेरा टैक्स है उस साल में पेमेंट ना करके किस साल करती हूं मैं अगली साल करती हूँ तो कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा वो हम क्या करते हैं हम करंट ईयर में पे करते हैं राइट समझ पा रहे हो तो सेम एज इट इज जब आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए मिले कि आपने प्रीवियस ईयर का टैक्स इतना बनता है ठीक है और नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रोविजन बना रहे प्रोविजन पता क्या होता है कि जब बीस लाख के ऊपर तीस परसेंट करू तो मेरे पास कितना हो गया है छ लाख रुपए एक सेकेंड प्रॉपर कर लेती हूं मैं इसको कैलकुलेट थर्टी यस छह लाख रुपए मेरे पास क्या आ गया है टैक्स की रेट बन गई है तो मैंने इस टैक्स की रेट के लिए मैंने पहले ही थोड़ा बहुत प्रोविजन बना के रखा था कितना बना के रखा था मैंने कहा कि मैंने सात लाख रुपए बना के रखा था ठीक है कहने का मतलब ये एक रिजर्व है ठीक है और इसके लिए मैंने कहा कि मेरा जो टैक्स के लिए मैंने इस साल कितना पैसा रखा मैंने सात लाख रुपये रखा ठीक है और पिछले साल मुझे पिछले साल का मुझे पेमेंट करना था वो कितना है तीन लाख रुपये है ठीक है समझ पा रहे हो तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर का टैक्स और ये हो गया प्रोविजन जो कि हमने बनाया है क्यों क्योंकि जो इस साल का टैक्स बनेगा ना करंट ईयर का टैक्स जो कि कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे उनके लिए हमने प्रोविजन बना दिया सात लाख रुपए अब ये बताओ एक्चुअल में पेमेंट किसी की है जिसका प्रोविजन बनाया है उसकी की है या फिर जो पिछले साल का टैक्स था उसकी की है जल्दी बताओ ऑब्वियस ही बात है आपने प्रीवियस ईयर के टैक्स की पेमेंट हमारे इस करंट ईयर में पे की है तो इसीलिए इसे हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको तो माइनस करते हैं है ना और कहीं ना कहीं हम अपने प्रॉफिट में से इसको निकाल रहे हैं सात लाख रुपए को तो जो हम कई अगले साल यूज करेंगे तो हमारे प्रॉफिट को तो डिक्रीज कर रहा है ना तो हम इसको एक्चुअल सिचुएशन में वापस लाने के लिए हम उसे क्या करेंगे हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर

आ जाओगे और जब नेक्स्ट ईयर में आ जाओगे तो ऑब्वियसली बात है जो लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर का जो टैक्स था आप नेक्स्ट ईयर पे करोगे दैट्स so रीजन कि जो प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होता है ना हम करंट ईयर में पे करते हैं इसीलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो माइनस करते हैं और जो करंट जो चल रहा है हमारा ये ये जो चल रहा है, आप देखो, मेरा ये चल रहा रहा है है देखो मेरा इसके लिए मैंने खुद प्रोविजन बनाया और ये ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये जो सात लाख रुपए में मान के चल मैं अब मान के चल रहा हूं मेरा अगली बार तीस लाख रुपए मेरा क्या हो जाए प्रॉफिट जाए तो नौ लाख रुपए मेरा टैक्स बनेगा नौ की बजाय मैंने दस लाख रुपए अपना एज ए प्रोविजन बना के रख दिया ठीक है क्या पता भाई इससे बढ़ के भी हो सकती है है ना, ना तो मुझे कोई दिक्कत ना है, मैंने क्या कर दिया प्रॉफिट में से पहले ही निकाल दिया अब अब आगे बढ़े अब यहाँ पे ना एक बात पता होनी चाहिए आपको अब देखो मैंने आपको इतना सारा समझा दिया टैक्स देखो टैक्स की पेमेंट करने से पहले टैक्स की पेमेंट पहले होती है या इंटरेस्ट की पेमेंट पहले होती है बताना मुझे एक बारी पहले टैक्स की पेमेंट पहले होती है इंटरेस्ट की पेमेंट पहले होती है और फिर ये भी बताओ मुझे डिविडेंड जो प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हैं उसकी कब पेमेंट होती है ये कहते हैं कि पहले इंटरेस्ट की पेमेंट होती है बाद में फिर उसके बाद इंटरेस्ट टैक्स की पेमेंट होती है फिर प्रपोज़ डिविडेंट होता है अच्छा जी जब टैक्स ही प्रीवियस ईयर का हम करंट ईयर में पे दे रहे हैं ठीक है तो क्या प्रपोज़ डिविडेंट का कंसेप्ट सेम नहीं रहेगा कि जो हमारा पिछले साल को हमने डिविडेंट देना था वो अब अब इस साल दे रहे हैं हम तो कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट हमारी टैक्स की थी वही सेम एज इट इज हमारी डिविडेंट करने वाली चलो जी अब इसको हम नोट्स के थ्रू करते हैं कहते कि कि treatment of the provision for tax क्या कहते कि क्या कहता है 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 अगर केवल balance given है, balance that means कि हमें current year का ठीक और प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवेन है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है देखो ट्रीटमेंट क्या होगी अगर करंट ईयर का गिवेन है और प्रीवियस ईयर का गिवेन है प्रीवियस का मतलब क्या है पिछले साल का जो कि हमें पिछले साल पे करना था बट किया नहीं किस में पे करेंगे इस साल करेंगे तो उसे हम मैंने क्या बताया आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसे हम क्या करते हैं लेस करते हैं क्या आपको ये क्लियर है समझ में आ गया चलो जी बात आ जाती है जो इस साल हम प्रोविजन बना रहे हैं जो इस साल हम प्रोविजन बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर में पे करना है तो नेक्स्ट ईयर के पे के लिए अभी से हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तो उसे हम वापस से बैक कर देंगे कहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्लियर है बेटा इतना कंसेप्ट चलो जी ये तो तब है जब हमें क्या कर रखा है कि केवल और केवल बैलेंस दे रखे हैं हमें डायरेक्ट निकाल के दे रखे हैं इन केस हमें दे नहीं रखा डायरेक्ट निकाल के तो हमें क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा कैसे निकालना पड़ेगा अकाउंट्स प्रिपेयर करो अभी पर अभी आपको वो सिखा देते हैं अब मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स कहां आता है लायबिलिटी साइड है ये और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है कि ये क्रेडिट में तो बढ़ती है और डेबिट में क्या होती है कम होती है याद है कांसेप्ट आपको अच्छा जी मैंने कहा कि इसका अकाउंट बनाओ अकाउंट बना दो कुछ दिक्कत नहीं है मैंने कहा इसकी डेबिट साइड है डेबिट साइड में कम होगी मीन की जब हम क्या करेंगे इसकी पेमेंट करेंगे तो इधर साइड आएगी जब कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो इधर साइड आएगा क्योंकि इसका बैलेंस बढ़ जा रहा है ठीक है इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा ये भी ध्यान रखना जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना बेटे वो हमेशा क्रेडिट साइड होता है जिस साइड ये बढ़ता है ना उसी साइड होता है जैसे कि मैंने आपको एसेट्स में बताया था एसेट्स का नेचर क्या है कि वो डेबिट में तो बढ़ती है और क्रेडिट में क्या होती है कम होती है है ना तो इसको ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में आता है मान लो कि जो इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है बाय ओपनिंग बैलेंस मान लो ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड ठीक है और क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ये भी क्या दिया हुआ है एक्स 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 ठीक है अच्छा जी मैंने कहा कि मैंने इस साल अमाउंट पे की है अमाउंट पे किया दैट मीन्स इसका बैलेंस जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी हमारी

फोर टैक्स आगे समझ में यहां पे हम इसको लगा लेंगे तो दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होगा एक तरफ होगा चलो जी मैं इसको फिगर में पुट अप कर देती हूँ मान लीजिए आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको कहती हूँ मैं टेन थाउजेंड रुपये दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है मान लीजिए आपने एट थाउजेंड दिया हुआ है ठीक है अच्छा जी तो यहां पर आपको दिया हुआ है अच्छा जी मैंने कहा कि मैंने करंट ईयर में कितना पे कर दिया है मैंने करंट ईयर में मैंने पे कर किया है आपका एट थाउजेंड रुपीज मैंने क्या है पे किया अब जो करंट ईयर का होता है वो कहाँ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाता है क्या मैंने यही लिखा हुआ था ऊपर भी सेम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिव देखो सेम कंसेप्ट है बस यहाँ पे आपको क्या करना है फिगर फाइंड आउट करनी है आपको अमाउंट सा, काफी सारी दी होगी आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है अब आपको ये नहीं पता कि आपने कितने का प्रोविजन बनाया है कितना प्रोविजन बनाया तो आप बैलेंसिंग फिगर लेके निकाल सकते हो क्योंकि ये दस है इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16000 तो यहाँ पे भी 16000 होगा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 6000 हमारा क्या बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगा और ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वापिस से ऐड हो जाता है क्योंकि हमने यही अमाउंट प्रॉफिट में से निकाली हुई थी दैट्स इट क्लियर है बेटे समझ में आ गया कंसेप्ट क्लियर है अच्छा जी इन केस में ये कह रही हूँ कि आपको करंट बैलेंस नहीं गिवेन है आपको प्रोविजन गिवेन है तो आप फिर भी निकाल सकते हो आपने कहा कि टोटल है तो आपका इधर का बैलेंस निकल आएगा बैलेंसेंड मीन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं या तो आपको यह दिया मिलेगा कि प्रोविजन कितना बना है या फिर आपको ये दिया मिलेगा कि आपने पे कितना किया है करंट ईयर टैक्स कितना पेमेंट है क्लियर है समझ में आ गया तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्लियर समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत रहती है फिर भी कमेंट कर सकते हो मैं आपको लिए एक शॉर्ट वीडियो में जरूर समझाने की कोशिश करूंगी इन और अच्छे बेटर वे से ओके अच्छा जी डिविडेंड की बात की जाए डिविडेंड भी सेम एज इट इज रहने वाला है कि जो आपका प्रपोज डिविडेंट है या मैं कहूँ कि इंटरम डिविडेंट है जो कि आप किसको देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम मिलता है बेटे ये देखो नजर आ रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कब दिया जा रहा है टैक्स की पेमेंट के बाद अब टैक्स ही हमने इस तरह से ट्रीटमेंट किया तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जब आपके पास टैक्स की पेमेंट कर दोगे फिर ही तो डिविडेंड दोगे ना तो इसकी भी ट्रीटमेंट सेम रहने वाली ये कहते हैं कि जो टैक्स की जो आ, सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि हमें कितना परसेंट देना है वो परसेंटेज आपकी हमेशा इसके ऊपर लिखी होती है अब मैंने कहा कि मेरा जो दो के अंदर दस लाख रुपये मैंने प्रेफरेंस से रेज किए थे और 2023 में ये बैलेंस 12 लाख हो गया है ठीक है अब मुझे ये बताओ कि आपको डिविडेंड किसके ऊपर दोगे 12 लाख के ऊपर या 10 लाख के ऊपर सिंपल सा लॉजिक है जो आपके प्रीवियस ईयर बैलेंस था मीनस की पीछे से जो चलता आ रहा है उसी पे तो दोगे ना तो पहला कंसेप्ट तो आपको ये याद रखना है कि जो डिविडेंट होता है वो आपके प्रीवियस ईयर कैप, शेयर कैपिटल के अमाउंट में दिया जाता है अच्छा जो देखो वही बात है जो आपका लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का क्या है डिविडेंड है वो तो आपको फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना होगा लेस करना होगा और जो इसके लिए प्रोविजन बनाया है उसे क्या करना पड़ेगा आपको इसे ऐड करना पड़ेगा सिंपल सा है क्लियर है इसी तरह से आपका प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट है प्रपोज डिविडेंड क्या कहता है पता है कि जो आपका इसी तरीके से सेम शेयर होल्डर को दिया जाता है इंटर्म डिविडेंड क्या होता है महीने के एनुअल ईयर के बीच में दिया जाता है छठे महीने में या फिर मैं कहूँ कि एक एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दे uh, दिया जाता है अच्छा करंट ईयर का ये प्रोविज़न दिया हुआ है डिविडेंट आपको प्रपोज और प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर दैट मीन्स पिछले साल का जिसकी पेमेंट अब अब की बार कर रहे हैं राइट right? जिसकी पेमेंट हम अब की बार कर रहे हैं अब मैंने कहा कि 2022 में हमें डिविडेंड की पेमेंट करनी थी दस हजार रुपए और 2023 के लिए हमने प्रोविजन बना दिया प्रोपोज डिविडेंड के लिए कि हम बारह हजार रुपए रखेंगे अच्छा इसका तो कोई काम ही नहीं है तो इसको फुल ऑफ इग्नोर कर देंगे जो ये है राइट right? ये है हम इसको क्या करेंगे इसकी एडजस्टमेंट करेंगे पहली बात तो ये कहां जाएगा आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर दिया जा रहा है है तो दैट्स रीजन ये ये का पार्ट एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जाएगा लेस क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो अच्छा जी आपकी नेट प्रॉफिट में से ट्रीटमेंट हुई है तो इसलिए क्या हो रही है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड हो रहा है अब आप ये सोच रहे हो कि मैम हर होट प्रॉफिट में क्यों एड हो रहा है रीजन क्या है बेटे मैंने आपको ऊपर बताया था इसके अंदर पांच ट्रीटमेंट हो रही है रिजर्वेंट सरप्लस समझ में आ गया राइट प्रपोज डिविडेंट जो आपका होता है वो यहाँ पे प्लस होगा प्रीवियस प्रीवियस ईयर का ठीक है इंटर्न डिविडेंट भी क्या होगा प्रीवियस ईयर का यहाँ पे प्लस होगा जो प्रपोजेंट इनकम टैक्स जो है आपका करंट ईयर का ध्यान से सुना देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है करंट ईयर का जो कि पेड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर इस साल कौन सा पे किया होगा ऑब्वियसली बात है प्रीवियस ईयर का पे किया होगा ये क्या है प्रीवियस ईयर है ना ये करंट ईयर का जो भी प्रोविजन बनाया था ना उसको हम क्या करेंगे वापिस से एड करेंगे समझ पा रहे हो क्लियर है कंसेप्ट कोई दिक्कत है आई होप अब कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए ये आपको सारी की सारी ट्रीटमेंट आगे समझ में प्रपोज का भी इंटर्म डिविडेंट का भी और प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अब बात आ जाती है डिबेंचर्स की डिबेंचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक बात समझने की है कि आपको ये बोला गया है कि आपने आपने एक सेकेंड एक अब वन मोर पेज आपके पास क्या है आपके पास डबेंचर्स है ठीक है मैंने कहा कि 2022 के अंदर अब हम किसकी बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं अब देखो डेवेंचर है पहली बात तो आपने पैसा रेज किया किसका पार्ट है फिनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है ठीक है पैसा रेज किया ये तो प्लस हो जाएंगे बट इसके ऊपर हमें क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट देना पड़ता है इंटरेस्ट क्या होगा आपकी पेमेंट है है तो फिनेंसिंग का ही पार्ट बट पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या होगा माइनस होगा किस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ठीक है कहीं ना कहीं आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एक्सपेंसिज के अंदर ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा एक जगह माइनस एक जगह प्लस चलो इसको समझते हैं कैसे समझते हैं 2023 का है 2022 का है मैंने कहा कि आपके पास पहले दस हजार डिवेंचर शेयर होल्डर थे वो भी कितने परसेंट पे थे 9 परसेंट डिवेंचर्स इशू किए थे आपने दस हजार के फिर 2023 में ये आपके बढ़कर कितने के हो गए हैं बीस हजार के हो गए अब बात आ जाती है ठीक है बढ़ गए हैं बढ़ गए हैं तो हम इसको क्या कर देंगे एक्टिविटीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम इसको ऐड कर देंगे ठीक है बट जो ये इंटरेस्ट है इंटरेस्ट किस पे गिवेन किस पर दें दस हजार पे दें बीस हजार पे दें ये एक बड़ा टास्क बन जाता है है ना? ये क्या बन जाता है बड़ा टास्क बन जाता है चलो जी इसको समझते हैं हम फटाफट देखो अब सबसे पहले अब जो नौ परसेंट बेंचेस देना है वो किस पे देना है आपको वो कैलकुलेट करते हैं देखो आपका यहाँ पर बीस हजार यहाँ पर आपको डेट गिवन है चेकआउट करो क्या डेट गिवेन है कि आपने जो दस हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लिए हैं सर इसको दस के बजाय ना हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अमाउंट लेते कि आपका जो डिफरेंस है और जो आपका इनिशियल अमाउंट है वो थोड़ा डिफरेंस रहे पंद्रह हजार हो गया तो पांच हजार रुपए बढ़ गए हैं पांच हजार रूपए और ये अगर ये हैं, बिगिनिंग में तो क्या होगा आपने स्टार्टिंग में इशू कर दिए फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2022 को ही इशू कर दिए तो ऑब्वियसली बात है इकतीस तीन दो हजार बाईस तेईस तक का पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगेगा अब आप ठीक है अब आपको ये देखो ये टाइम ड्यूरेशन पता चल गया कि एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का पूरा लगेगा अब देखो पहले तो हमारे पास दस हज़ार थे इसके ऊपर तो पूरे साल का लगना ही था 9 परसेंट लगना था ठीक है जी कितना हो गया ये हो गया भाई हमारे पास नौ सौ रुपये अब ये कहते हैं जो आपने पाँच हजार रुपये एक्स्ट्रा जो एडवांस ये जो एक्स्ट्रा हुए अमाउंट पाँच हजार रुपये जो एडवेंचर और इशू किए हैं वो हमने बिगिनिंग में ही किए हैं तो पाँच हजार रुपये के ऊपर भी कितने फुल ईयर का लग जाएगा 9% तो ये हो जाएगा नौ चार सौ पचास तो टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तेरह सौ पचास रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बन जाएगा ठीक है जी मैंने कहा कि ये आपकी स्टार्टिंग में नहीं आपका एंड में इशू हुआ है ये जो पाँच हजार रुपये हैं एट द एंड में इशू हुए हैं तो इस केस में क्या होगा तो जो पहले थे एज इट इज वो तो रहेंगे ही रहेंगे ठीक है नौ नौ सौ रुपये अब ये कहता है कि आपने एंड में इशू किया है एंड दैट मीन्स इकतीस तीन तेईस को ही इशू किया है ठीक है और आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है इकतीस तीन तेईस को क्या कोई दिन बना नहीं बना तो यहां पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं लगेगा समझ पा रहे हो दैट मीनस आपने डेट फाइंड आउट करने की कब आपने डिवेंचर्स को इशू किया अगर आपने डेट फाइंड आउट कर ली है तो यहां पर कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा अगर नहीं गिवेन है तो हम क्या कंसिडर करेंगे हम कंसिडर करेंगे एट द एंड कंसिडर करेंगे कि हमारा जो डिवेंचर है इशू हो रहा है एट द एंड में ठीक है यहाँ पर बात की जा रही थी यहाँ पर हमारे रेज हुए इशू क्लियर है यही बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है एक और कंसेप्ट ले लेते हैं यहाँ पर तो है इशू का पॉइंट मैंने कहा कि ये रिडीम हो गए हैं कहने का मतलब ये 2022 के अंदर आपके पास कितने शेयर्स थे आपके पास थे बच्चे मान लीजिए डिबेंचर्स थे टेन थाउजेंड दो हज़ार टेन थाउजेंड छोड़ो इसको थोड़ा सा बड़ा अमाउंट कर लेते हैं इसका एक सेकेंड थोड़ा बड़ा अमाउंट करते हैं मैंने कहा कि पहले जो आपके शेयर थे वो थे एट लाख रुपीज ठीक है और 2023 में आपने कितने हो गए हैं तीन लाख रुपए पांच लाख रुपए तो आपने देखो कितने की पेमेंट कर दी है तीन लाख की पेमेंट कर दिया अब पहली बात तो ये तीन लाख पेमेंट की है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अब बात आ जाती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को कैलकुलेट करने की इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट होगा अब देखो ये कहते हैं कि आपके पास ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड था यहाँ पर आपके पास आठ लाख रुपए थे ठीक है अब यहाँ पर कहते हैं आपके पास पांच लाख रुपए एज ए डिवेंचर्स रह गए तो अब आपको टाइम देखना है कि ये इसने बिगिनिंग में रिडीम कर दिया अगर इसने बिगनिंग में रिडीम कर दिया तो तीन लाख रुपए के ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये कि स्टार्टिंग में मैंने इसमें से तीन लाख रुपए माइनस कर दिए स्टार्टिंग से मैं पांच लाख रुपए लेके चल रहा हूं एज इट इज क्या इसके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में कितना लगेगा इसके ऊपर पांच लाख के ऊपर नाइन तो ये हो गया भाई आपका पैंतालीस हजार रुपये ठीक है ये केस किसका है बिगनिंग का है ये इन केस ये कहते हैं कि मैंने तो रिडीम भाई एट द एंड में कहा है मैंने कहा पूरे साल मैंने इसके आठ लाख रुपए रखा तो यहां पे क्या होगा आठ लाख के ऊपर कंप्लीट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा क्लियर है समझ में आ गया समझ में आ रहा है ठीक है इन केस इसमें भी ऐसे एक इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि एट द एंड है बिगिनिंग है तो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो इशू की है या फिर मैं कहूं रिडीम की है दोनों के केस में हम क्या कंसिडर लेके चलेंगे एट द एंड मान के चलेंगे यहां पे यही बोला गया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है उसमें से लेस हो जाएगा परंतु ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी है इसलिए उसको उसमें ऐड कर देंगे इन केस सेंस है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कैलकुलेट करना है तो हम क्या मान के चलेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर मान के चलेंगे ठीक है समझ में आ रहा है अच्छा जी अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के और हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अच्छा जी ओके okay. चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है ट्वेल्व परसेंट डबेंचर्स है टेन परसेंट डबेंचर्स है बैंक ओवर ड्राफ्ट है इंफॉर्मेशन गिवेन है अच्छा जी मैं यहाँ पे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना लेती हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ठीक है मैं ऊपर लिख रही हूं जहां से पैसा आएगा वो क्या होगा यहाँ पर होगा दैट मीन्स इनफ्लो की आइटम यहाँ होगी ठीक है जहाँ से पैसा जाएगा वो क्या होगा आउटफ्लो होगा चलो जी सबसे पहला लिखा हुआ है शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल क्या कहते हैं कि पहले 2022 हमारा प्रीवियस ईयर ये, लास्ट ईयर है प्रीवियस ईयर है ये है हमारा करंट ईयर है ये कहते हैं कि पहले आपकी 20 लाख थी अब कितनी होगी है तीस लाख मीन्स की पैसा बढ़ गया है पैसा आपकी कंपनी में आया है पैसा आया है क्या इसे क्या कहेंगे रेज ऑफ इक्विटी कितना से बढ़ी है 10 लाख रुपए से बढ़ी है अच्छा जी ये कहते हैं कि 12 परसेंट जो डिवेंचर्स हैं वो क्या है पहले तीन लाख रुपए के थे अब बिल्कुल भी नहीं है दैट मीन्स इसको क्या कर दिया है रिडीम कर दिया है तो ऑब्वियस ही बात है रिडीम कर दिया है तो पैसा आपके पास क्या है गया है पेमेंट की होगी तो यहां पे क्या लिखेंगे रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स कौन से डिवेंचर्स है ट्वेल्व परसेंट वाले उन्होंने कहा कि मैंने तीन लाख की पेमेंट मैंने कर दिए अच्छा जी अब उसने कहा कि टेन परसेंट डिबेंचर पहले नहीं थे अब आपने उसको रेज रेज किया है 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 पैसा आपके पास आया है। तो यहां पे क्या ऑफ डिबेंचर्स कितने के हो गए हैं पांच लाख रुपए के हो गए हैं आसान लग रहा है अच्छा जी बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक ओवर ड्राफ्ट मैंने आपको बताया था मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के अंदर ही लिखवाया था कि जो बैंक ओवर ड्राफ्ट है आपका किसका पार्ट है फिनेंसिंग का पार्ट है सबसे पहला पॉइंट यही था बैंक ओवर ड्राफ्ट एंड द कैश क्रेडिट किसका पार्ट है फिनेंशियल एक्टिविटीज uh, का पार्ट है ठीक है तो चलो क्वेश्चन में करते हैं ये फिनेंसिंग का पार्ट है अच्छा ये कहते हैं कि पहले एक लाख थे अब कितने रह गए अस्सी हजार ऑब्वियसली बातें कम हुए हैं कम, है, कम हुए का मतलब क्या है पेमेंट की है पेमेंट की है तो आपके पास से पैसा गया है तो यहां पे क्या कहेंगे कि पेमेंट ऑफ बैंक ओवर ड्राफ्ट कितने का ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का क्लियर है अच्छा जी नीचे पता क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2022 और 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इशू अ बॉन्ड शेयर इन द रेशो ऑफ द टू रेशो वन इज बाय द दैपिटलाइज रिजर्व के बारे में जो आपका जो कैपिटलाइज रिजर्व है उसका टू रेशो वन आपको क्या करना है बॉन्ड को इशू करना है जो हमारे पास एज इट इज इक्विटी का रहने वाला है ठीक है जी नेक्स्ट जाता है ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स रिडीम ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई ये कहते हैं कि जो आपके ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स थे ना वो आपने कहाँ रिडीम कर दिए हैं आप देखो एक चार दो हज़ार बाईस से इकतीस तीन दो हज़ार तेईस को यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को क्या हुआ है इन्होंने कहा कि मैंने शेयर्स डिबेंचर्स uh, को रिडीम कर दिया है मीन्स कि इतने टाइम पीरियड तक आपके पास क्या रहे हैं ये डिबेंचर्स रहे हैं है ना ये यही कह रहा है अच्छा जी इनकी वैल्यू कितनी थी तीन लाख थी अब ये देखो तीन लाख है इनकी वैल्यू 12% है और ये कहते हैं कितने दिन तक कितने महीने तक आपके पास रहा उतने का तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना अप्रैल मई जून क्योंकि जुलाई का पहला ही दिन है अच्छा तीन महीने का ये इंटरेस्ट हो गया तो कैलकुलेट करें कितना आ गया जीरो से जीरो कट 12 से ट्वेल्व कट ये हो गया नौ हजार रुपये ठीक है जी फिर ये कहता है कि एंड न्यू टेन परसेंट वर इशू ऑन द सेम डेट एट अ डिस्काउंट ऑफ फाइव परसेंट अब देखो प्रीमियम का जब अमाउंट उनके साथ ऐड हो जाता है इशू के टाइम रिडीम के टाइम इसी तरह से डिस्काउंट का भी अमाउंट इसी तरह से माइनस हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट देखो जितने कितने के देखो मैंने कहा कि इशू हुए हैं पांच लाख रुपए के ठीक है मैंने कहा इशू हुए हैं पांच लाख रुपए के बट ये कहते हैं डिस्काउंट भी इशू हुए हैं पांच लाख का फाइव करेंगे तो पच्चीस हो जाएगा मीन्स कि पांच लाख ना मिलकर आपको कितने लाख मिले हैं चार लाख पचहत्तर हज़ार रुपये मिले हैं तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करो जल्दी से करो चलो जी इसको मैं ठीक कर देती हूँ कहने का मतलब ये चार लाख पचहत्तर हज़ार रुपये हमें क्या है मिले हैं डिस्काउंट देखो मैंने लेस किया अच्छा जी इन केस ये प्रीमियम पे बोला होता तो, पांच पच्चीस बन जाता, तो पांच पच्चीस एक चार सात को मैंने क्या किया दस परसेंट के रेट पर जो डिबेंचर्स है उनको इशू किया अब ये कितने दिन मेरे पास रहे इसका अब यहाँ से शुरू हुआ है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मीन की नौ महीने कितने रुपए हैं अब ये कहता है कि मेरे पास पांच लाख रुपए है इंटू टेन परसेंट है ठीक है और नौ महीने ठीक है इसको कैलकुलेट करते हैं जीरो से जीरो कट जीरो से जीरो कट टू जीरो से टू जीरो कट तो जीरो जीरो नौ पांच पैंतालीस तो, तो टोटल कितना हो गया चार चार हजार पाँच सौ रुपए अब देखो इतने की हमें एज इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ी पेमेंट करनी पड़ी है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना हो गया तेरह हजार पाँच सौ रुपये हो गया है अच्छा जी इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक ओवर ड्राफ्ट जो लिया था ना उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ी है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट तो ये कितना हो गया दस हजार रुपए हो गया क्लियर है अब इनकी देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे पता चलेगी अब जिनको ऐड करो इनको इसमें से लेस कर दो चलो जी मैं कर देती हूं इसको लेस दस लाख प्लस के चार लाख पचहत्तर तो कितना हो गया चौदह लाख पचहत्तर चौदह लाख पचहत्तर में से माइनस करेंगे तीन लाख ठीक है और तीन लाख बीस और माइनस करेंगे तेईस हजार पांच सौ ठीक है तो ये आ जाएगा ग्यारह लाख इकतीस हजार पाँच सौ रुपये क्लियर है आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालते हैं इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट का भी आ गया है राइट इंटरेस्ट भी आ गया है चलो जी उम्मीद करते हैं ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जिसके अंदर हम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं ये वाला जहाँ पर सभी तरह की एक्टिविटी होने वाली है एक छोटा सा पाँच से दस मिनट का क्वेश्चन होगा वहाँ हम डिस्कस करेंगे ओके okay? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा देन फिर हम क्या करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे और हमारे पास और कौन कौन सा आ रहा है ब्रिक कीवन पॉइंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट रिपोर्ट इन सबको हम वन बाय वन फिनिश करेंगे अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं रुपीज नाइन पर पी आपके चार्जेस रहने वाले हैं व्हाट्सएप नंबर ई मेल गिवन है फॉर आपको अगर पी चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबर ई मेल आई डी पर कर सकते हैं टीम आपको जल्द ही वर्किंग आवर्स के अंदर रिस्पॉन्स करेगी ओके जी चलो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा टेंशन बिल्कुल भी नहीं मिली ओके